हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है तरुण मलिक और स्वागत है आपका एक और नई सीरीज की वीडियो में। अभी मैं हूँ बीर हिमाचल प्रदेश के अंदर और पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि आप बीर पहुँच कैसे सकते हैं वोल्वो बस करके, और बीर में रुकने के लिए जगह कौन कौन सी है। उसके बाद मैंने आपको दिखाया बीर के अंदर मोनेस्ट्रीज वगैरह, और फिर मैंने आपको दिखाई बीर के अंदर पैराग्लाइडिंग का क्या प्रोसेस है, क्योंकि बीर फेमस है पैराग्लाइडिंग के लिए। और ये मैं अभी पैराग्लाइडिंग के लैंडिंग साइट पर हुई, देखिए यहाँ पर लैंडिंग हो रही है। यह है बीर की पैराग्लाइडिंग लैंडिंग साइट, और यहीं इसके आसपास ही रुकने के लिए बहुत सारी जगह है जो मैंने सारी आपको पिछली वीडियोस में दिखाई हुई है, जिनकी लिंक पूरी प्लेलिस्ट की आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप बीर हिमाचल प्रदेश से दिल्ली कैसे पहुँच सकते हैं वाया वोल्वो बस, कैसे कैसे उसका टिकट बुक होता है, कैसे कैसे वो आपको बस मिलेगी और कैसी उसकी जर्नी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फिलहाल मैं हूँ बीर की लैंडिंग साइट में, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ मोनेस्ट्री पार्किंग में, जो बीर के अंदर एक मोनेस्ट्री है, नियांग मोनेस्ट्री करके कुछ नाम है उसका। उसके पास ही एक पार्किंग है, वोल्वो बस सारी वहीं से मिलती है हमको। तो मैंने अभी बुक करवाई है सिटी लैंड ट्रैवल, जिसका फेयर मुझे आज संडे के दिन पड़ा है 1800 रुपये। अगर आप वीक डेज के अंदर बुक करोगे तो वो शायद आपको 700-800 रुपये में मिल जाएगी, क्योंकि आज संडे है और सैटरडे को आने के लिए और संडे को जाने के लिए महंगी होती है बहुत ज़्यादा। तो 1800 रुपये में मुझे उसका फेयर पड़ा है, और यहीं पर बहुत सारे कैफेज भी आपको मिल जाएंगे अगर आपको खाना पीना खाना है। तो फिलहाल चलते हैं अपनी वोल्वो बस की पार्किंग में और दिखा दूँगा आपको बस कैसी है और उसकी जर्नी कैसी है। तो बन रही है इस वीडियो में। तो अभी मैं मोनेस्ट्री में पहुंच चुका हूं, इसका नाम है निग्मा मोनेस्ट्री, और निग्मा मोनेस्ट्री के पास ही आपको जो वोल्वो बस है वो सारी यहीं पे पार्किंग में मिलती है। इसके पीछे जो पार्किंग है उसी में बस मिलती है, और मेरी बस है सिटी लैंड ट्रैवल्स की वोल्वो B8 करके कुछ नाम है उसका। और उसका रूट पड़ेगा बीर से पालमपुर हमीरपुर होते हुए, बीर से पालमपुर हमीरपुर कांगड़ा होते हुए ऊना अम्ब से होके जाएगी, जिसका ट्रैवल डिस्टेंस हो जाएगा 550 किलोमीटर के आसपास। तो इसके लिए मैं 1800 रुपये पे कर रहा हूँ। फिलहाल अभी 6 बजे मेरी बस है, और अभी 5:30 बजे हैं, तो अभी आधा घंटा मैं यहीं मोनेस्ट्री में वेट करता हूँ और फिर चलते हैं अपनी बस में। बस के अंदर सीट्स होती है, उसके नीचे लेग रेस्ट भी होता है, उसके नीचे आपको चार्जिंग भी मिलती है। और जो बस होके जाती है वो बहुत ही अच्छे रूट से होके जाती है, जो कि बहुत पहाड़ों के बीच में होता है। लेकिन जब तक ये पहाड़ों का रूट रहता है ना, तो बस घूमती रहती है ऐसे, बहुत झटके लगते रहते हैं, लेकिन व्यू बहुत सुंदर आता है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और बस पूरी ओवरनाइट 12 या 13 घंटे का ट्रैवल टाइम होता है बस का। तो 13 घंटे के ट्रैवल टाइम में आप जब चंडीगढ़ उतर जाते हैं तभी जाके आपको सोना मिलता है। चंडीगढ़ तक आप हिलती रहती है बस, तो आपको नींद नहीं आ पाती। वैसे उसमें ब्लैंकेट वगैरह एसी वगैरह सब कुछ आपको मिलता है। तो बाकी जब भी बस में जाके दिखाता हूँ आपको बस कैसी है, और आपको उसमें बैग वैग रखने के लिए सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। तो फिलहाल बस के पास चलते हैं और बस दिखाता हूँ मैं आपको कैसी है सिटी लैंड ट्रैवल की वोल्वो बीर टू दिल्ली। ये होटल सूर्या क्लासिक, और इसके सामने यहाँ पार्किंग है। कुछ बसें तो आपको इस पार्किंग में मिल जाएगी और कुछ इसके अगली पार्किंग। जैसे आप थोड़ा सा आगे चल के आओगे, यहाँ पे ही देख दो लोकल स्टोर है, उसके सामने जो पार्किंग है उसमें आपको सिटी लैंड की बस और बाकी भी बहुत सारी बस यहाँ पे खड़ी हुई दिख जाएंगी, तो आप उनमें बैठ के यहाँ से जा सकते हो। और यहाँ पे एक स्नो कैफ़े भी है, अभी फ़िलहाल कैफ़े में चलते हैं क्योंकि मेरी बस में अभी 1 घंटा है। तो यहाँ पर लोकल स्टोर के सामने एक पार्किंग है मेरे पीछे, ये इसके अंदर आपको बाकी की वोल्वो बस मिल जाएगी। ये दोनों 50 मीटर पर ही है पार्किंग, तो जो मोनेस्ट्री के सामने जितनी पार्किंग है यहीं से आपको सारी वोल्वो बस मिलेंगी। मेरी सिटी लैंड ट्रैवल की बस वो खड़ी है, अभी जाके आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसी है। फिलहाल उस कैफ़े में जा रहा हूँ मैं 1 घंटा टाइम स्पेंड करने, क्योंकि अभी 4 बजे और 5:30 बजे मेरी बोर्डिंग स्टार्ट होगी, तो उस बस को भी दिखाई देंगे बाद में, पहले कॉफ़ी पी के आते हैं थोड़ा। तो ऐसी कुछ है वोल्वो बस, और ये मेरी सीट नंबर 1, और यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट वगैरह लेग सपोर्ट सब कुछ मिलता है आपको, और यहाँ से फ्रंट का भी बहुत अच्छा आएगा। फिलहाल इसमें बैठते हैं और शुरू करते हैं अपनी जर्नी दिल्ली, बीर टू दिल्ली। 6:30 बजे बस है, लेकिन थोड़ी लेट हो रही है, अभी बैग रख दिया मैंने, वेट करते हैं, चलते हैं फिर बाहर। तो ये मेरे पीछे खड़ी है सिटी लैंड ट्रैवल की बस, लेकिन सिटी लैंड ट्रैवल की मैंने आने के लिए भी बुक करी थी और जाने के लिए भी सिटी लैंड ट्रैवल ही बुक करी है, लेकिन इसकी सर्विस इतनी घटिया है। मेरे पीछे अभी सनसेट हो रहा है, और अभी इसका टाइमिंग थी चलने की 6:30 की, तो 6:30 पर बुला के दिल्ली से भी इन्होंने ऐसे किया था कि हम दिल्ली से 6:30 आए थे और इस 9:30 पर चली थी दिल्ली से, तो 2 घंटा लेट आई थी। और ऐसे ही इन्होंने बीर की साइड से किया, बीर में इन्होंने 6:30 बुला के, अब बोल रहे 7:30 चलेगी, लेकिन चलेगी पता नहीं कितने बजे, अब जब भी चलेगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल ये कुछ बस है जो मैंने आपको अंदर से दिखाई, अपना बैग मैंने रख दिया, अभी बाहर वेट कर रहे हैं कितनी देर में ये बस चलेगी। फिलहाल यहीं
ये पार्किंग ग्राउंड है, सारी बसें यहीं लगती है आसपास। तो ये कुछ हमारी सिटी लैंड ट्रैवल की बस खड़ी है, इतना सुंदर इसके पीछे पहाड़ों का व्यू। तो फिलहाल वेट करते हैं बस के चलने का, और सामने कितना अच्छा सनसेट हो रहा है वो भी मिस हो गया इस बस के चक्कर में। तो बस देखते हैं 7:30 चलती है या और लेट होती है। तो फिलहाल हमारी बस चलने के लिए तैयार है, ऐसी कुछ सीट है। एक बहुत डिले होने के बाद चलिए बस, अब चलिए सफ़र का एंजॉय लेते हैं। ये कुछ मैंने फ्रंट वाली सीट बुक कराई है, इसमें लेग स्पेस थोड़ा सा कम होता है लेकिन आगे का व्यू दिखता रहता है तो उल्टी नहीं लगती, तो इसलिए बेस्ट होती है। बाकी मैं पीछे तक दिखाता हूँ, पीछे तक कुछ ऐसी सीट है, सबको कंबल भी दिया गया इसमें, और सबकी सीट पर चार्जिंग स्पॉट दिया, और ऐसा कुछ खिड़की का व्यू है। तो बजे रात के 12:30 और यहाँ पे खाना खाने के लिए रुकी है बस। अभी 7 घंटे का रास्ता और बचा दिल्ली का, पता नहीं कौन सी ऊना से ऊना के आसपास है ये जगह। जगह का नाम है खाना खजाना, और यहाँ पे खाना खा के अब हम चले वापस। अभी 6 घंटे पूरा रास्ता अंधेरे का रहेगा, जब सुबह होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ रोड और बाकी की जर्नी। तो अब बैठते अपनी गाड़ी में और शुरू करते अपनी बाकी की जर्नी। तो अभी सुबह के 5:45 हो गए और हमारी बस पहुंच गई है करनाल के पास, एक ढाबे पर रुकी है 15 मिनट के टी ब्रेक के लिए। ये बस चली थी 7:30 बजे बीर से, और ये 7:30 बजे चल के 6 बजे तक करनाल पहुंची है। अभी ये बस मुझे लग रहा है 1-2 घंटे और लेगी दिल्ली जाने के लिए, तो ये 1 घंटा लेट चल रही है। तो सिटी लैंड बस की यही दिक्कत है कि वो 1 घंटा लेट चलती है, बाकी सर्विस ठीक है, चलता रहता है ड्राइवर जैसे भी रास्ते आते हैं, पर ये सर्विस थोड़ी सी इसकी डिले चलती है। अगर ये 6:30 बोलते हैं तो ये 7:30 चलते हैं, 7:30 बोलते हैं तो 9:30 चलते हैं, बस थोड़ी सी यही दिक्कत है। बाकी रोड मैं आपको दिखा रहा हूँ, बड़ा अच्छा रोड है, बड़ा मज़ा आ रहा है। फिलहाल एसी वैसी कम्बल वम्बल सब कुछ इसमें मिलता है। अभी चलते हैं सीधे दिल्ली और दिल्ली जाके मिलते हैं। बीर से निकल के सुबह 8 बजे हम पहुंच चुके हैं ISBT कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के पास। यहीं पे मैं बस ने उतार दिया, और ये कुछ ISBT मेट्रो स्टेशन, और ये ISBT कश्मीरी गेट का बस स्टैंड, और ये भैया भी हमारे साथ चल रहे हैं। तो अभी यहाँ से हम मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन जाके अपने अपने घर जाएंगे। और इससे मैंने अपनी जर्नी शुरू कर दी वापस, 14 घंटे की जर्नी करके मैं वापस आ चुका हूँ वहीं पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।